నాతో పాటు ఇండియన్ ఛాంపియన్ ఉన్నారు నీరజ్ చోప్రా. ఆయనతో మనం మాట్లాడదాం. రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఏషియన్ గేమ్స్లో ఆయన గోల్డ్ ఇండియాకి తీసుకొచ్చారు. సో నీరజ్ జీ బతయ్యే, రీసెంట్లీ ఆప్నే జో గోల్డ్ జీతా తో కైసా ఫీల్ హో రహా ఆప్? బిల్కుల్ బహుత్ అచ్చా లగ్తా హై గోల్డ్ జీత్ కే ఔర్ అప్నీ కంట్రీ కా రిప్రజెంట్ కర్కే హమేషా బహుత్ అచ్చా లగ్తా హై ఔర్ బహుత్ హి అచ్చా ఫీల్ హో రహా హై కి ఐసే టైటిల్ డిఫెండ్ హువా హై ఫస్ట్ టైమ్. ओके, जब आपका जो इंडिया से और एक प्लेयर है किशोर जना, तो उनका आपका मुकाबला तो बराबर की उसमें था, तो लाइट वो सिल्वर में चले गए, तो कैसा देखते हो उसको? बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा कि जेना ने इतना अच्छा थ्रो लगाया. बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत मेहनती है. जिस तरीके से उसने थ्रो किया बहुत ही अमेजिंग था. और आशा करता हूँ कि पेरिस ओलंपिक्स में ना केवल दो हम बल्कि तीन एथलीट जाएँ और वहाँ पर और ज़्यादा अच्छा करें. आपका फर्स्ट थ्रो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था, तो उसको आप उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था? माइंड में बस यही था कि थोड़ा डिस्टरबेंस तो होती है जब इतना अच्छा थ्रो खराब हो जाए, बट फिर भी मुझे यही बिलीव करके थ्रो करना पड़ रहा था कि कोई बात नहीं, लास्ट तक मैं फिर से अच्छी थ्रो कर दूंगा. ओके, अभी आपका तो एक पहले से एक लक्ष्य है 90 मीटर्स वाला, तो उसके ऊपर आप कैसा काम कर रहे हो, किस तरीके का प्रैक्टिस चल रहा है उसके बारे में? प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छा चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से बीच में थोड़ी दिक्कतें रहीं, इंजरी हो गई थी, तो थोड़ा सा रुकावट हो गई थी, लेकिन बिल्कुल अगली बार के लिए अभी और अच्छे से करेंगे, कोशिश करें कि इंजरी से फ्री रहें और अच्छी थ्रो करें. आपका एक मूवी भी बाहर आ रहा है, आपका बायोपिक भी आ रहा है करके बाहर टॉक चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब मेरी तरफ से भी मुझे ही नहीं पता, मुझे आप लोग बता रहे हैं तो आप मेरे से भी आगे हैं मुझे लगता है, तो बिल्कुल ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है कि ऐसा कुछ आ रहा है. ओके, नेक्स्ट, अभी आपने को पेरिस ओलंपिक से, तो इसके बारे में क्या कहना है, इसके ऊपर आपका एक्सरसाइज कैसा चल रहा है, इसके ऊपर आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? अभी तो पेरिस के लिए टाइम है, तो अभी कुछ सीजन ऑफ करके आए हैं, तो थोड़े दिन फैमिली के साथ, थोड़े दिन अपने आसपास अपने जान पहचान के लोगों के साथ, और जो जो ब्रांड्स मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए टाइम दूंगा, और बिल्कुल बाकी का जो टाइम रहेगा जब ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से वो करूंगा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू जी.